बीजापुर जिले के पामेर क्षेत्र में नक्सलियों व सीआरपीएफ के कोबरा 204 बटालियन के बीच हुई मोर्चा संभालते समय सोमवार की दोपहर बांदा जिले के लामा गांव निवासी सीआरपीएफ के कांस्टेबल 204 बटालियन का जवान विकास कुमार शहीद हो गया। सीआरपीएफ के कांस्टेबल 204 बटालियन का जवान विकास कुमार शहीद हो गया। साथ ही मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ निवासी सीआरपीएफ पुर्दनानाथ भी शहीद हो गया। वर्मा परिवार का शहीद जवान विकास कुमार बचपन से ही फौज में भर्ती होने का सपना देखते थे। शहीद जवान विकास कुमार तीन भाई और एक बहन और माता पिता सभी को मिलाकर 6 लोगों का खुशहाल परिवार था। विकास कुमार अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़े थे। शहीद जवान विकास कुमार बचपन से ही फौज में भर्ती होने का सपना देखते थे। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए बांदा में रहने लगे थे और अपनी हाई स्कूल व इंटर की पढ़ाई बांदा जिले के आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज से पूरी की। साथ ही जब वो इंटर की पढ़ाई कर ही रहे थे कि उनके पिता रत्येंद्र सरन की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। विकास कुमार के ऊपर अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारी निभाने का भी दायित्व आ गया। शहीद जवान विकास कुमार ने अपना हौसला नहीं खोया और अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी की और आखिरकार 2008 में उन्होंने अपने सपने को पूरा कर अपनी पहली पोस्टिंग असम से जम्मू से पंजाब और जब इनकी पोस्टिंग पंजाब में हुई थी तभी इनकी शादी बांदा जिले के पास खुरहन थाना गिरवा के मकरी गांव की नंदई नाम की लड़की के साथ 23 फरवरी 2019 को हुई थी। शादी के बाद से ही शहीद जवान की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पामेर क्षेत्र में तैनात ही थे कि सोमवार की दोपहर एक सर्च ऑपरेशन के नक्सलियों की गोली का शिकार हो गए। शहीद सीआरपीएफ के जवान का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव में बुधवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। नमाकों से वीर सपूत को परिवार ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों ने अंतिम विदाई दी। अंतिम यात्रा में विकास कुमार अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। इस दौरान शहीद की मां ने कहा, परिवार को गर्व है, उनका बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ। मंगलवार की रात जवान का शव विशेष वाहन से बांदा लामा गांव पहुंचा। पूरी रात पूरा परिवार शव के पास बैठा रहा। साथ ही सीआरपीएफ के करीब 25 जवान भी मौजूद रहे। सुबह से ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। करीब 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। 23 फरवरी को थी विकास की सालगिरह। पत्नी नंदनी दहाड़े मारकर रो रही थी, अभी उसकी शादी के एक साल भी पूरे नहीं हुए थे। घटना वाले दिन सुबह पत्नी से बात हुई, फिर भी कुछ घंटे बाद उसके शहीद होने की सूचना आई। मार्च में हुआ छुट्टी पर आने वाला था क्योंकि छोटे भाई की शादी होने वाली थी। पूरा परिवार गमगीन नजर आया। बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुई थी मुठभेड़ एवं अंतिम यात्रा में ग्रामीण क्षेत्र के लोग भगवती मानव कल्याण संगठन समाज सेवी पदाधिकारी एवं अन्य पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। भारत के सपूत वीरों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीआरपीएफ के 25 जवान एवं कमांडेंट डीआईजी दीपक कुमार, पुलिस अधीक्षक शंकर सिद्धार्थ मीणा, जिलाधिकारी हीरालाल सहित आला अधिकारी ने श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में जनपद बांदा निवासी शहीद सीआरपीएफ जवान विकास कुमार को सत सत नमन करते हुए साथ ही उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही शहीद जवान के परिजनों को 25 लाख रुपए व उनके परिवार के एक सदस्य को मृतक आश्रित के तौर पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो अनुमन्यता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अनाउंस भी कर दिया था और उसका प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कल ही इनके जो 25 लाख रुपया देने का आदेश है वो जारी कर दिया गया है और एक मूर्ति बनाने का आदेश है। एमए साहब जिला पंचायत के माध्यम से एमए साहब कल भी आए थे और वो मूर्ति बनवा दी जाएगी जहाँ ये लोग कहेंगे। और एक तीसरा जॉब का है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अनाउंस किया है, उसकी प्रेस विज्ञप्ति भी जारी है। वो जॉब भी ये आज क्रिमिनेशन हो रहा है, कल जब इनका शांति हो जाएगी जो भी अनुमन्यता होगी और जो अवेलेबिलिटी होगी द बेस्ट पॉसिबल करके इनको जॉब भी दे दिया जाएगा। बलदेव प्रसाद वर्मा, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत बांदा, बहुजन समाज पार्टी के चितकूट धाम मंडल के कोऑर्डिनेटर। अच्छा, बांदा से सटे लामा ग्राम पर एक जवान शहीद हुआ है, तो आप इसमें क्या कहेंगे, किस प्रकार घटना हुई है? ये घटना नक्सलवादियों की घटना जो हमने जानकारी हमने सुना है ये वहाँ घटना हुई है और रात में ही जो है और अभी दान संस्कार करा कर हम। आपको जानकारी कैसे मिली? अब गांव के साथियों के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा जानकारी हमें हुई फोन के माध्यम से। पूरा गांव शोक पर है, तो आप इसमें क्या कहें, किस प्रकार दुखद घटना है? हम तो बहुत दुखी हैं, सब
परिवार की ओर से हम ये चाहते हैं कि उनको ऊपर वाली सपोर्टी दे जी, और ऊपर वाली इनकी जो भी ये बड़ी बहुत बड़ी घटना है जी, और इतनी बड़ी घटना है कि हम सब लोग उनके दुखी परिवार से हम उनके साथ आए। इनका दाह संस्कार कहाँ पर किए गए? ये बगल में इनका खेत है लामा में। लामा में जी, उन्हीं के खेत में हुआ है। कैसे शहीद हुए ये? कांस्टेबल विकास कुमार, ये हमारी 204 बटालियन कोबरा बटालियन है ये, उसमें ये कमांडो के रूप में तैनात था। इससे पहले इसने जम्मू कश्मीर में, आसाम में और त्रिपुरा में नौकरी की है, और पिछले 4 साल से ज़्यादा समय से ये बीजापुर जनपद छत्तीसगढ़ राज्य में तैनात था। ये बीजापुर जनपद हमारा नक्सलियों से प्रभावित क्षेत्र है, और वहाँ पे ये नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, उनका सामना करते हुए हमारा जवान शहीद हुआ। इसका पूरी नौकरी में इसका बहुत अच्छा इसका कार्य रहा है, और ये बहुत बहादुर था, इसीलिए स्वेच्छा से ये कोबरा बटालियन में तैनात था।